एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा डीआईवाई जिसे मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी, जिससे मेरे चेहरे के हल्के हल्के बहुत ही हल्के, ये लगा लो कि बहुत ही कम मात्रा में, जो मेरे बहुत ही लाइट हेयर होंगे, बालों के अनवांटेड हेयर, वो भी रिमूव होंगे। और एक ऐसा पिल ऑफ मास्क है जो चेहरे पर ग्लो लेकर आएगा, पोल्यूशन की डस्ट डर्ट को खींच के बाहर निकाल देगा और स्किन को एकदम ग्लोइंग ग्रोसी बनाएगा, रिंकल्स को दूर करेगा, फाइन लाइंस को खत्म करेगा, चेहरे पर बहुत अच्छी रौनक लेकर आएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कैसे मैंने घर पे बनाया है, उसे कैसे ये इफेक्ट डालता है, तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस डीआईवाई को हमने कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये मिक्सचर इसके अंदर डाल रही हूँ, एक चम्मच। अभी आप पूछोगे ये क्या है, ये ब्लिसेंट का एक स्क्रब है जो मैंने परचेज़ किया था, लेकिन आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने उसके साथ का ही घर पे बनाया है। इसके अंदर बादाम है, ओट्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दूंगी, अदरवाइज नहीं लूँगी। तो ये मैंने घर पे बनाया है, आप इसे घर पे बना सकते हैं। और ये मैंने एक चम्मच लिया है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डाल रही हूँ मैं, ये है एवरी यूथ का ऑरेंज पील ऑफ मास्क। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं, नियर अबाउट एक चम्मच मैं इसके अंदर इसे डाल रही हूँ, एक चम्मच आप इसके अंदर इसे डाल दीजिए। इससे आपके चेहरे के कील मुहासे बड़े आराम से निकल जाएंगे, ओपन पोर्स बड़ी आराम से क्लीन होंगे। और उसके बाद दोस्तों, मैं इसमें डाल रही हूँ ये घर पे बनाया हुआ मेरा रोज़ वाटर, और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। मैंने इसे स्प्रे बॉटल के अंदर डाला था, और मैं इसे अच्छी तरह से कुछ पंप की मदद से स्प्रे करूँगी, आप देख लीजिएगा। अब आपने इसे मिक्स करना है, और अगर रोज़ वाटर आप पूछोगे कितना डाला है, तो मैं बता दूं आपको, एक चम्मच नियर अबाउट मैंने रोज़ वाटर का इसके अंदर मिक्स किया है। आप देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की बनेगी, और आपने इसे जब यूज़ करना है तभी अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, ताकि आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और ये आपकी स्किन से जो डस्ट डर्ट है उसे खींच कर बाहर निकाल ले। अगर आपकी स्किन लूज है, चेहरे पे रिंकल्स फाइन लाइंस हैं, और चेहरा काफ़ी ढीला है, और चेहरे पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन ग्लो नहीं करती है, शाइन ख़त्म हो गया है, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा स्किन को निखारने के लिए, स्किन पे शाइन लेकर आने के लिए, स्किन को एक से दो लेयर तक लाइटन करने के लिए। बहुत ही अच्छा पिल ऑफ मास्क बन गया है, एक होम मेड पिल ऑफ मास्क बन गया है। दोस्तों, इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे, और जब ये सूख जाएगा तो हमने पिल ऑफ करके इसे निकाल देना है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी तैयार हो गई है दोस्तों, इसे चेहरे पे अप्लाई करना है, सुखाने के बाद इसे निकाल देना है। चेहरे पे अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, तो खींच कर ऊपर की तरफ इसे निकाल दीजिएगा। और अभी मैं इसे सुखाने के लिए रखूंगी, और आपने भी कुछ इसी तरीके से करना है, और स्किन एकदम हो जाएगी फ्रेश, क्लीन और काफी ज्यादा सॉफ्ट। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये रेमेडी, जो घर पे मैंने एक देसी तड़का लगाया है इस चीज़ को। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अगर आप चाहते हैं, ये ब्लिसेंट का जो स्क्रब था वो पाउडर था, वैसे आप उसे घर पे बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। अगर आप कहोगे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। वैसे बहुत बार मैंने उसका जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसका परचेजिंग लिंक भी मैं बहुत बार आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो आप उसे खरीद सकते हैं। वैसे उसके अंदर एलमंड है, ओट्स हैं, दो तीन चीज़ें कुछ और भी हैं, उन्हें मिक्स करके ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, साथ में जो मेरा एमजित व्लॉग चैनल है उस चिट चैट के लिए उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलूंगी नई वीडियो नई रेमेडी के साथ। इस वीडियो को लाइक करना बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।